आज हम बात करेंगे नाम और पार्ट्स से नंबर आइटम कैसे तलाश किया जाए और उसकी तरह दर्जन और बॉक्स में सेल करने का तरीका। और थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा कि मैकेनिक के पास खड़ी मुख्तलिफ गाड़ियों को अलग अलग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, और ऑटो पार्ट्स के हवाले से, ठीक है। इसको मैं लॉगिन करता हूँ, एक्सेस कोड्स भी कर सकते हैं और अगर यूज़र वाइज है तो यूज़र वाइज भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सेस कोड से कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स हैं आपकी। इस प्रोडक्ट डिटेल्स में आप जो है तमाम अपनी इन्वेंट्री डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेल जो भी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं करूँ फ़िल्टर, तो जितने भी फ़िल्टर होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको जो है वो कैटेगराइज करनी है तो आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं कैटेगरी हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐड करना है तो ऐड में आप आ जाएंगे। और इसके अंदर जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें खोली हुई हैं, ऐड फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, बेल्ट है, स्क्रू है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मैंने खोला हुआ है प्लेट स्क्रू के नाम से, अब ये मैंने जो है मैं ये बॉक्स में भी बिकता है, एक भी बिकता है और जो है वो दर्जन में बिकता है, तो इसमें UM में चले जाता हूँ मैं। तो इसके सिंगल प्राइस हैं वो 8 रुपये हैं, और अगर 12 अगर ख़रीदते हैं तो 12 जो है वो 90 रुपये के हैं, और अगर 100 बॉक्स है मतलब एक बॉक्स अगर वो ख़रीद रहा है तो 700 रुपये का। तो ये हमारी बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो वो कैशिंग स्क्रीन पे चलते हैं। कैशिंग स्क्रीन में अगर आप देखें तो मैंने काफ़ी आइटम्स खोले हैं जिसके अंदर ब्रेक पैड, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, बेल्ट, ये सारी चीज़ें जो है मैंने ओपन की हुई हैं। अब लेट सपोज़ आपके पास एक कस्टमर आता है जिसका गाड़ी का नंबर है, लेट सपोज़ KNG 2977, ठीक है। इसने जो है एक आपसे ऑयल फिल्टर लिया है, कौन से सीसी का, 5500, 350, 200 सीसी, तो अगर ये ले लिया इसने। और इसी तरह जो है एयर फिल्टर इसने एक आपसे लिया है, और जनरल आइटम में जो है काफ़ी चीज़ें हैं। अब आपका जो कस्टमर है, दूसरा कोई कस्टमर आ गया, आप इसको यहाँ से होल्ड कर देंगे। तो जब होल्ड करेंगे, अब दूसरा कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा है, तो आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेट, ये है निशान और एयर फिल्टर है, ये चीज़ें जनरल आइटम है, जनरल आइटम में जो है ये है टोयोटा पासो है। इसी तरह अगर और भी कोई स्क्रू वगैरह ले रहा है, जैसे प्लेट स्क्रू है, अब इसमें स्क्रू में हमसे पूछ रहा है कि एक पीस है, अगर एक पीस है तो वो 8 रुपये का है, अगर वो डजन ले रहा है तो डजन 90 रुपये का हो जाएगा, और अगर वो पूरा बॉक्स ले रहा है तो बॉक्स 700 रुपये का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर इसमें से कोई चीज़ आपकी गलत हो जाती है और आपको डिलीट करना था, अभी जैसे यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सेल परफॉर्म करना तो यहाँ पर आप थम्सअप है, थम्सअप पे जाएंगे, 1000 रुपीज़ आपने उससे अगर रिसीव किया तो 1000 रुपीज़ रिसीव करेंगे, ओके करेंगे। जब ओके करेंगे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी। आपके पास थर्मल प्रिंटर लगा हुआ होगा तो प्रिंट वहाँ से निकल कर ओपन हो जाएगा। अब लेट सपोज जो आपने गाड़ी दी थी उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो यहाँ से आप जाके ये देखेंगे कि KNG 2977, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर जो है वो कोई और चीज़ आप जैसे ऐड कर रहे हैं, जैसे फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर डाल के आप इसको दोबारा होल्ड कर देंगे। अब कस्टमर का जो है अगर बिल पे करना, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट गाड़ी का नंबर डाल दें, जैसे KNG 2977, यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा। सिंपल आप सेल परफॉर्म करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी। तो ये हमारी कैशिंग स्क्रीन है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं पुरानी स्लिप दिखाऊं कि अगर आपको कोई कस्टमर बोले कि मुझे पुरानी स्लिप दिखा दें, तो यहाँ से आपकी तमाम चीज़ें फ़िल्टर भी हो सकती हैं। अगर आपको सर्च करना तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरी गाड़ी का नंबर है KD 256, तो मैं यहाँ पर डालूँगा KD 256, तो यहाँ पे उसकी पुरानी स्लिप आ जाएगी। अगर पुरानी स्लिप प्रिंट करनी है तो प्रिंट भी इसीलिए यहाँ से हो सकता है कि आपकी ये एक प्रॉपर बिल्डिंग आ जाएगी जिसके अंदर जो है थर्मल प्रिंट आपके पास लगा हुआ होगा और ये आपके साथ कनेक्टेड हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है कैशिंग और सेल रसीद थी। इसी तरह रिपोर्ट्स में आप डेली की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसके अंदर सेल समरी है। सेल समरी में अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मुझे आज सेल चेक करनी है अपनी, तो मैंने जनरेट रिपोर्ट की, तो जनरेट रिपोर्ट में मुझे सिर्फ बता रहा है, मैं उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 150 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि इस डेट से इस डेट तक की डेट है जिसके अंदर एयर फिल्टर इतना था, बेल्ट इतनी थी, ये चीज़ें इतनी थी, पेटी कैश वगैरह ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी। इसी तरह अगर मुझे डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल पे चेक लगा के जनरेट रिपोर्ट करूँगा, तो जब जनरेट रिपोर्ट करूँगा तब भी वो मुझे सारी कंप्लीट डिटेल दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह आप अपने कस्टमर्स के या जो मिनी अकाउंट वगैरह, पेटी कैश वगैरह अगर आप वो मैनेज करना चाहते हैं, तो ये पेटी कैश का ऑप्शन है, पेटी कैश भी जाता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक
एंट्री डालनी है, मुझे कैश आउट करना हो, दो ही चीज़ें, कैश इन और कैश आउट, मैं कैश आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डाला 200 रुपीज़, अब मैं जिस बंदे को दे रहा हूँ उसका नाम मैंने लिख दिया, इसी तरह जो है मैंने नरेशन में डाल दिया पेमेंट, ठीक है, अगेंस्ट पार्टी सेलेक्ट, अगर मेरे पास सप्लायर है, सेल एजेंट है, अदर अकाउंट है, जो भी है, आपने जैसे सप्लायर असलम कादिर है इसको दिया तो आपने सेव किया, जस्ट ओके किया, तो ये असलम कादिर का जो नंबर डला हुआ है वो उसके बाद मैसेज चले जाएगा कि उसको आपने 200 रुपये दिए थे, SMS का भी फीचर्स के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी तमाम पेटी कैश की भी ट्रांजेक्शन आ रही होती है, इसको मैंने क्लोज किया। इसी तरह जो है प्रॉफिट एंड लॉस की समरी की रिपोर्ट है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मैं जस्ट जनरेट किया, और जनरेट करके मैं अगर लास्ट पेज पर चले आऊँ तो ये मुझे टोटल समरी बता देता है कि टोटल से इतनी है, अदर चार्जेस प्लस डिस्काउंट, यानी नेट प्रॉफिट इतना हो रहा है। अगर आप एक्सपेंस वगैरह सब मैनेज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। इसी तरह अगर आप क्लाइमेक्स की रिपोर्ट देखें तो हमारी क्लाइमेक्स की रिपोर्ट में जो REC सेल है जिसके अंदर ट्रीव्यू है, ट्रीव्यू में क्या है, अगर आप कस्टमर वाइज लेना चाहते हैं तो कस्टमर वाइज ले लें, अगर आप की मल्टीपल लोकेशन है तो मल्टीपल लोकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। मैं इसको जनरेट करता हूँ, जब जनरेट किया तो अब मेरे पास सारी कैश की ट्रांजेक्शन आ गई। अब आपको नहीं पता कि कौन सी अमाउंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें बता देगा कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर सेल हुई हैं, ये चीज़ें इसके अंदर सेल हुई हैं। तो ये हमारा जो है बेसिकली मॉड्यूल है ऑटो पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स वगैरह का, और इसके अंदर जो है आप अपने तमाम जो है फ्यूल गेज वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो ज़रूर हमें जो है आगाह करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।